सुधाकर सर चूंकि अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे, सर आप अपनी बात जो कह रहे थे उसको कंप्लीट करिए। और ये जो हम देख रहे हैं कि पैन इंडिया नेटवर्क बनाने के लिए छोटे छोटे एनजीओज, छोटे छोटे संगठनों को जोड़ा जा रहा है, और अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई कार्रवाई होती है, जब कोई एक्शन होता है, तो वो एनजीओज या वो संगठन बड़ा ही बुद्धिजीवी कवर भी प्राप्त करते हैं, यानी कि उनपे जब कार्रवाई होती है तो इस देश के अंदर उनके साथ लोग खड़े भी होते हैं अलग अलग राइट्स के नाम पर। रवि बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा, आपके सवाल के अंदर जवाब ही छुपा हुआ है। मैं तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये टॉपिक को आपने जो सामने लाए हैं। हमारे साथ पुराने डीजीपी साहब बैठे हैं, शारदा प्रसाद बहुत ही जाने माने डीजीपी साहब हैं, अभी जो सर्विंग डीजीपी साहब ने काफ़ी हद तक सवालों का जवाब दे दिया है। मैं सिर्फ तीन चार क्विक पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। 1996 और 99 के बीच में अलकायदा का जो चीफ ओसामा बिन लैडन, उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद ऐलान किया था। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार। और 2014 को त्यागी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बयान दिया है। ये अलकायदा का एक और एक बयान था और एक वर्ल्ड मैप उन्होंने दिया था। सिर्फ हिंदुस्तान टारगेट नहीं है, वो विश्व को कन्वर्ट करना चाहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक। और साथ ही आपको ध्यान होगा, पिछले साल जब यूएस और नाटो फोर्सेस अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहे थे, चंद एक महीनों के बाद अलकायदा का एक अनाउंसमेंट था कि जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स हैं विश्व में, सबको लिबरेट करेंगे और जेन के से स्टार्ट होगा। ये चार पांच स्टेट्स का नाम उन्होंने दिया था, लेकिन चेचन्या और जिनजियांग के नाम नहीं था। मैं सिर्फ एक चीज को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, चेचन्या और जिनजियांग का प्रोविंस का नाम ना होने के कारण क्या है, एक चीज दर्शाता है कि चाइना का हाथ इसमें जुड़ा हुआ है। और चाइना का हाथ तब ये सामने बिल्कुल ही एकदम मशहूर तरीके से आ रहा है। असम आज के दिन में चाइना का नजर डोकलम प्लेटू नहीं, इसका नजर सिलीगुड़ी कॉरिडोर नहीं, बल्कि बे ऑफ बंगाल। वो चाह रहा है जितना जल्द से जल्दी उसको एक सिक्योर एरिया एस्टैब्लिशमेंट्स को लेकर जिस तरीके से आप डिटेल इनपुट दे रहे हैं, आई थिंक इस बारे में हम शारदा प्रसाद सर से भी बात करना चाहेंगे। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।